ये जनाब पुलिस की तरफ से नारा हैदरी या अली के नारे लग रहे हैं और बड़ी तादाद में पुलिस ऑपरेशन के लिए तैयार है। 15-2000 पुलिस वाले ऑपरेशन के लिए बिल्कुल तैयार रेडी खड़े हैं। ये सुबह 5 बजे से पुरसकून थे, ये भी बैठे हुए थे और हमारे कारकुनान भी पुरसकून बैठे हुए थे, लेकिन ये काजी फ़ायज़ इशाक़ का इसका मतलब है कि फ़ैसला गलत उसने दे दिया है। जो ये हमारे कारकुनान आमने सामने पुलिस के हो गए हैं, इन्होंने भी नारे लगाना शुरू कर दिए हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे। ये वो मंजर है, ये वो मंजर है जो करबला का मंजर था कि एक तरफ यजीदी फौज नारे लगा रही थी और दूसरी तरफ हुसैनी काफला नारे लगा रहा था। ये आज वो मंजर बिल्कुल आ गया। हमारे साथ मुफ्ती तारक मसूद रिजवी साहब हैं। मुफ्ती साहब, करबला का मंजर नहीं आ गया कि एक साइड हुसैन के मानने वाले नारे लगा रहे हैं और दूसरी साइड करबला के दूसरी यजीदी फौज के मानने वाले भी नारे हैदरी और नारे रिसालत के नारे लग रहे हैं? आपको लग नहीं रहा कि ये 1400 साल पहले वाला मंदिर दोबारा दोहराया जाने लगा है? आज डी चौक इस्लामाबाद में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हुजूर के गुलाम अपने आका की खत्म नफ़त पर पहरा देने के लिए खून के आखिरी कतरे तक क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन के मिशन के मुताबिक तैयार खड़े हैं और कोई किसी गलतफहमी से न रहे, इंशाअल्लाह हम हुजूर की खत्म नफ़त के लिए हर वक्त मैदान अमल के अंदर हैं और अपने काज़ी मोहतरम की काल के मुताबिक जो हुक्म होगा हम उसके मुताबिक अमल करेंगे। क्या बात,